व बिहारी जय राध माधव कुञ्जविहारी जयगोपी जनवल्ल वा गिरवरधारी यशोदनन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जयराध तीरा तीरा माधव कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्ल निर्वरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यसोदनन्दनव्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचा धमाधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे

हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर रे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरिका गौरणिका शनिता जय गौरिका जय जय प्रभुपा प्रभु पा प्रभुपा प्रभुपा श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो <coughs> श्री श्री निताय की जय हो शील की जय हो अनंत की जय हो हरिदास ठाकुर की जय हो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणि जय चैतन्य प्रभो प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर्भक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा तो गत कई दिनों से भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के सोलहवें सत्रहवें अठारवें अध्याय के अंतर्गत परीक्षित सुखदेव संवाद को हम सब सुनते आ रहे हैं तो आज उस प्रसंग को ना लेकर के भगवान ऋषभ देव की द्वारा अपने पुत्रों को जो शिक्षा प्रदान की गई है उसमें से यथ किंचित एक दो श्लोक पर करीब श्लोकों पर विचार करेंगे एक संख्या एक से लेकर के श्लोकों पर तक तो कभी कभी इच्छा होती है कि नियमित प्रसंग से हट करके कभी कभी कुछ अन्य प्रसंगों पर भी विचार किया जाए तो उसी विचार के अधीन हो करके मैं आज प्रथम पांचवे स्कंद के पांचवे अध्याय का पांच नंबर श्लोक को मैं ले रहा हूँ ओम नमो भग भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय परा भवस्तावदबोधजातोन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम् एन शरीरबन्ध परा भवस्तवद बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्तवदिदं मनोवै कर्मात्मकं एन शरीर तो प्रस्तुत श्लोक में भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि अबोध जात हो जीव अज्ञान से पराभव उसे मोहित है अर्थात उसका आत्मज्ञान उसका ढका हुआ है अज्ञान के कारण और अज्ञान के कारण जीव वसीभूत होकर के अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं कि मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ मैं शूद्र हूँ, मैं राजा हूँ मैं ये हूं मैं ये हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ मैं गृहस्थ हूँ मैं, मैं बानप्रस्थ हूँ मैं सन्यासी हूँ तो इन नाना प्रकार के उपाधियों से ग्रस्त हो करके जीव अविद्या के कारण नाना प्रकार के कर्म को करता है और कह रहे हैं कि अबोध जातो तो ये कब तक रहता है तावत ये अज्ञान तब तक रहता है इस अज्ञान से जीव पराभूत रहता है इसके अधीन रहता है और उसका ज्ञान बिल्कुल ढका रहता है भूला हुआ है तो ये तावत शब्द से कह हैं कि तब तक रहता है जावत जब तक न आत्म तत्व जब तक अपने आत्म तत्व का जो भागवत आदि अन्य शास्त्रों में विशद रूप से दिया हुआ है उसका वो उसके प्रति वो जिज्ञासा नहीं करता है न जिज्ञास तब तक यह अज्ञान बना रहता है देखिए श्लोक में कि तावद अवोध जातो पराभव पराभव मतलब पराजित रहता है उसके अधीन रहता है तावत जब तक आत्म तत्व तत्व न जिज्ञासत जब तक वो जिज्ञासा नहीं करता है अच्छा अज्ञान के अधीन है जीव तो अज्ञान के अधीन हो करके अज्ञानात्मक कर्म को करेगा अच्छा अज्ञान में स्थित है तो अपने को ही मानता है कि मैं हूं मन को मन को मानता है मन मैं हूं और मन के अनुसार ही जीव नाना प्रकार के कर्म को करता है मन से करता है जीव इंद्रियां तो केवल सहायक होती हैं कर्ता मन है मन ही खाता है मन ही देखता है मन ही सुनता है मन ही सुख अनुभव करता है मन ही दुख अनुभव करता है मन ही में भय उत्पन्न होता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा मेरा एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा मैं गरीब हूं मैं ये हूं तो भगवान कह रहे हैं कि यावत क्रिया तब तक व्यक्ति नाना प्रकार के कर्म भी करता रहता है कि मैं बहुत गरीब हूं मुझे धनी बनना है <laughs> और मैं ऐसा हूं मैं औसा हूं तो उसके लिए घोर कर्म करता है तो यावत क्रिया तो कब तक ये सकाम कर्म सकाम कर्म इसको कहते हैं क्रिया जो बंधन का हेतु है एक तो बंधन लगा हुआ उस पर और कर्म करता है तो उस पर और बंधन पर बंधन लगता जाता है तो इसको कह रहा है कि यावत क्रिया जब तक जब तक वो तब तक काम करता है तावत जब तक इदम कर्मात्मजम मन वही जब तक ये कर्मात्मकम कर्म करने वाला जो मन है जब तक ये रहेगा तब तक जीव क्रिया करता ही रहेगा और ये ना और इसी मन के कारण शरीर बंध जीव इस शरीर रूपी बंधन में बंध गया है जिससे मुक्त होना असंभव है किसी अन्य साधन से नहीं साधन छोड़ दीजिए पहले तो जीव ज्ञान करे कि हम बंधे हुए हैं और शरीर के बंधन से युक्त हो करके जीव क्या करता है कि शरीर को मैं मानने लगता है और शरीर से संबंधित जितने चीजें हो उसको मेरा मानने लगता है और अपने आत्म स्वरूप को व्यक्ति क्या करता है भूल जाता है तो इस श्लोक को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए पांचवे श्लोक संख्या को यह सब घटनाएं शरीर का बंधन का हेतु क्या है अवोध जात जात मतलब प्राप्त कर लिया है अवोध अज्ञान को प्राप्त कर गया है और उस अज्ञान के कारण पराभव पराजित हो गया है उसके अधीन है तो ये तब तक नहीं अनुभव करेगा जब तक उससे मुक्त नहीं होगा जब तक वो आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा ना करे और भगवान कह रहे हैं कि तावत तब तक बहुत सर्व प्रकार के सकाम कर्म करेगा जब तक यह मन उपस्थित है मन ये जब तक मन उपस्थित है और ये मन कैसा है इसका विशेषण दे रहे हैं कर्मात्मकम मन देखिए मनुष्य शरीर से भी कर्म करता है खाली ऐसे लोग मानते हैं कि शरीर से ही कर्म नहीं मन ही सब कर्म करते रहता है और मन सदा काम करते रहता है सर्वदा न ही कश्चित क्षण ये एक क्षण को भी विश्राम को प्राप्त नहीं करता है सदा मन कार्य में लगा रहता है इसको छठे श्लोक में कह रहे हैं एवं मन कर्म बसम प्रयुक्ते इस प्रकार से एवं छठे श्लोक संख्या को देखिए आप लोग कि एवं मन कर्म बसम प्रयुक्ते ये कर्म के वसीभूत हो जाता है मन कर्मों में दिन रात लगते रहता है क्यों अविद्या आत्मनि उपधीय माने उपधीय माने का अर्थ होता है कि बिल्कुल ढक गया है क्या आत्मनि वो जो जीव, जीव आत्मा है भगवान का अंश है इस ये जो ज्ञान है ये बिल्कुल ढक जाता है किसके कारण अविद्या अविद्या के कारण अविद्या आत्मन्युपधीय माने उसका ज्ञान ढक जाता है और ढक जाने के कारण जीव नाना प्रकार के शरीर को प्राप्त कर रहा है और नाना प्रकार के कर्म में उलझा हुआ है कर्म से कर्म का निहार नहीं हो सकता है जैसे मान लीजिए कर्म के कारण बंधन कर बंधन हुआ तो क, कोई ऐसा कर्म करे कि जिससे हम बंधन से मुक्त हो जाए इसको छठे स्कंद में आ, ये महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी छठे स्कंद के प्रथम अध्याय में ही इसको विचार हेतु प्रस्तुत किया है कहा कि राजन मनुष्य इस शरीर से मन से बहुत प्रकार के कर्म को करता है बहुत प्रकार के कर्म को करता है ये छठे स्कंद के प्रथम अध्याय में ये महाराज सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कृत मन युक्ति पाणी भी जीव क्या करता है कि मन से वाणी से और शरीर से कर्म करता है और कर्म कैसे हैं ध्रुवम स वही प्रत्य नरकानुपैती अब ये सारे जो कर्म है नरक ले जाने का टिकट है छठे स्कंद के प्रथम अध्याय का सात नंबर श्लोक तो शरीर से जितना भी कार्य हो रहा है वो सब बंधन का हेतु है तो महाराज परीक्षित ने कहा कि, कि कर्मणा कर्म निहारो नयांतिक वद धिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शणम तो जीव को कह रहे हैं कि मृत्यु के पहले इसका पराश्चित कर लेना चाहिए तो उन्होंने बहुत सारा साधन बताया कि तपसा ब्रह्मचरण समे न चमे न त्यागे न सत्य भ्याम यमे नियमे न च उन्होंने अष्टांग योग का विधि बताया कि यम करे नियम करे ब्रह्मचर्य का पालन करे तो इससे जीव कर्म का कर्म क, इसका प्राय जो पाप कर्म है जो किया है शरीर से मन से बाणी से उससे प्रायश्चित हो जाएगा क्योंकि अगर इसका प्रायश्चित ना करे मृत्यु के पहले बुढ़ापा आने के पहले तो ये कर्म ही नरक के टिकट है ले जाएंगे जीव को तो इस प्रकार से उन्होंने उपचार बताया तो इसको महाराज परीक्षित ने कहा कि तो बहुत कठिन है कलयुग में तो सर्वथा कठिन है असंभव तो इसको तो मैं महदपी वेणु गुलवा हे महाराज हे सुक्द, हे सुखदेव भगवान मैं तो इसको ऐसे मानता हूं जैसे बांस की झुरमुट होती है जंगल में बांस की वृक्ष होते हैं झुरमुट लग जाती है तो बांस को काट दिया जाता है और जला भी दिया जाता है लेकिन देखा जाता है कि वर्षा ऋतु पर आने पर फिर उससे पृथ्वी के अंदर से बांस के कपोल निकलने लगते हैं तो ब्रह्मचर्य तप तपस्या इंद्रियों का निग्रह मन का संयम सत्य सत्य में स्थित रहना पवित्रता ये सब जो यम और नियम है जो हैं तो ये तो कुछ फल देते हैं लेकिन तत्कालिक कुछ देर के लिए रहते हैं बस क्षणिक है कि इसका उदाहरण दे रहे हैं बेणु गुल जैसे बांस का झुरमुट है व्यक्ति काट करके बिल्कुल आग लगा दे जड़ में आग से जल जाएगा लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु होती है तो उससे पौधे पनपने लगते हैं तो सब परिश्रम बेकार है और इसके पहले उन्होंने कर्म के बारे में बताया था कि राजन कर्म से कर्म का निहार करे तो उसको कह रहे कुंजर शौचवत ये तो हाथी स्नान के बराबर देखते ना हाथी खूब बढ़िया से स्नान करता है नदी में खूब मल मल के बहुत देर तक स्नान करता है बिहार करते हैं लेकिन तट पर आकर के पुनः अपने को धूल से धूसरित कर देता है सुन से उठा उठा कर धूल डाल देता है तो बताइए जो स्नान देख रहा था कि अरे हाथी कितना सुंदर स्नान किया स्वच्छ हो गया पवित्र हो गया लेकिन अरे अगले ही क्षण सरोवर से निकलने पानी का जब तक आश्रय लिया तब तक पवित्र था अब निकलते ही वो ठीक करने लगा तब इसमें कर्म से कैसे मुक्ति किया जाए तो इसको पंद्रहवें श्लोक में कह रहे हैं केचित केवल्या भक्तया केवल केवल भक्ति से और कोई चीज से व्यक्ति अपने कर्म को अपने अज्ञान को मिटा नहीं सकता है अघम धुनवंतिकार से नीहार मीव भाष कर इसके पूरे पूरे कर्म फल को नाश कर देता है कौन कर्मात्मकम जो मन है जो सदा कर्म में निलिप्त रहता है सकाम कर्म में और जो बंधन का और दुख का हेतु है तो भगवान कह रहे हैं सुखदेव भगवान कि ये जो जीव जो भक्ति करने लगता है तो निहार इव भास कर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोहरा लगा हुआ, हुआ है और सूर्य उदित हो जाए तो कुहरा कहीं टिक पाता है बिल्कुल कोहरा का नाश हो जाता है और से मतलब पूरा पूरा नष्ट हो जाता है अच्छा भाई तो ये भक्ति से होगा तो भक्ति मिलेगी कहा करण तथा यगवन राजन पुयेत ततप भी हे राजन ये आग मतलब पाप अज्ञान ये तो आदि से नहीं जाएगा लगाए हैं सब देखिए 16 नंबर प्रथम छठे स्कंद के प्रथम अध्याय का 16 नंबर यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया जो व्यक्ति कृष्ण में पूरा पूरा मन लगा दिया है कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानता है कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानता है तत्पुरुष निसेवया उस पुरुष का संग करने से उसकी सेवा करने से भक्ति मिल जाएगी क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं कि जीव अज्ञान से उसका आत्मा ढक गया है अपने स्वरूप उसका ढक गया है तो कह रहे हैं कि तावत यावत मई वासुदेव प्रीतिर जब तक मुच वासुदेव में प्रीति नहीं करेगा तब तक देह योगे न मुचेत इस देह के बंधन से मुक्त नहीं होगा असंभव असंभव है ये स्वयं भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं तो जीव अच्छा कुछ और श्लोकों पर थोड़ा सा विचार कर लिया जाए जो प्रथम श्लोक दे रहे हैं कि नाहम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान बुडभुजाम दिव्यम पुत्र का ए न सत्व शुद्धि यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो वो कह रहे हैं कि नृलोके पुत्र का हे पुत्रों उनके सौ पुत्र थे और ये कहा प्रवचन कर रहे हैं ब्रह्मर्षि प्रवर सभायाम प्रजा नाम बड़े बड़े ब्रह्मर्षि उस सभा में उपस्थित हैं और प्रजा और उसके मध्य अपने पुत्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं हे पुत्र का नृलोके अस्मिन संसार इस संसार में अयम देह भाजम देहो जो हम ये देह धारण किए हैं जो हमको ये देह मिला है तो कह रहे हैं कि ये ये बिड भुजाम कष्टान कामान बिडभुजाम मतलब सुअर को कहते हैं तो सुअर क्या करती है बहुत प्रकार का भोग भोगती है और कैसे उसके भोग होते हैं कामान कैसे होते कष्टान कष्टपूर्वक दुखदायी हैं। तो यह जो भोग है तो योनि में भी प्राप्त है को को भी। जिस भोग भोग हम भोगना चाहता है मनुष्य, तो वो सारे भोग एक सुवर के शरीर में जो जीव है उसको सहज रूप से प्राप्त होता उसके लिए उसको बहुत कर्म नहीं करना पड़ता है सहज मिलता है और कैसे ये भोग है कष्टान कष्ट देने वाले हैं तो अयम देह हो न अर्ते इस देह को प्राप्त करके मनुष्य को इन भोगों में नहीं लगना चाहिए क्यों तब तो क्या करना चाहिए तपो दिव्यम तप करना चाहिए तो भाई तप से क्या होगा तो एना न सुधेत इससे हमारा जो चित्त है हमारा जो हृदय में जो कलमस है उससे हम मुक्त हो जाएंगे तो भाई ठीक है हृदय का कलमस नष्ट हो जाएगा तो इसकी कौन सा चीजों की प्राप्ति होगी तो कह रहे हैं कि अनंतम ब्रह्म सौख्यम भगवान का जो अनंत सुख है अनंत सुख ऐसा नहीं कि अब वो सुख छोड़े दिन के लिए है थोड़ी मात्रा में है कितनी मात्रा में है कितना समय का है इसका चिंता छोड़ दीजिए अनंतम ब्रह्म सौख्यम उससे हृदय शुद्ध होने पर तप में लगने पर व्यक्ति अनंत ब्रह्म का सुख अनुभव करता है और दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि महत सेवा द्वार माहमुक्त तमो द्वारम योषितम संगी संगम भगवान कह रहे हैं कि कोई जीव महत सेवायाम महत सेवाम अगर साधु पुरुष का संग करता है विमुक्त तो द्वारा उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है अच्छा इसके विपरीत अगर करे किसका योषिता संगी संगम किसी विषया आसक्त मन वाले व्यक्ति का व्यक्ति अगर संग करेगा तो तमो द्वारम आहु वो संग कैसा है सीधे नर्क जाने का द्वार है तो ठीक है भाई तो ये हम जान गए कि नरक का द्वार है तो महत से अंत तो साधु संग करेंगे तो साधु किसको कहते हैं ये तो बताइए तो भगवान ऋषभ दे कह रहे हैं कि तस्ते समचित्ता प्रशांता विन्मय सुहृद साध वो ये साधु का लक्षण दे रहे हैं कि समचित्ता उसका चित्त समा सम रहता सुख दुख से प्रभावित नहीं रहता है मान अपमान राग द्वेष से मुक्त रहता है और सभी जीवों के पार प्रति समचित रहता है किसी से उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता है और दूसरा एक अर्थ है कि उसका चित्त इसलिए शांत है कि उसका पूरा पूरा मन भगवान में लग गया है मन जब तक भगवान में नहीं लगे कभी शांत हो ही नहीं सकता है कोई साधन से करे और प्रशांत समचित्ता अप्र शांता शांता अपने आप में शांत सुख का अनुभव व्यक्ति जब सुख का अनुभव करता तब शांत रहता है लेकिन भगवान कह रहे हैं कि प्रशांता विशेष रूप से शांत शांत मतलब आनंद में गोता खा रहा है अब बिन बिन बिनमय उसका कोई शत्रु नहीं होता है सबसे प्रेम करता है और सुहृद साधु का लक्षण है कि सदा सबका कल्याण चाहता है केवल इच्छा करता ऐसा बात नहीं है उसके लिए कर्म करता है प्रयास करता है जैसे शीला प्रभुपाद जी और उनके अधीन जितने वैष्णव हैं स्कॉन में सब लोगों का क्या उद्देश्य है सुहृद बन करके सब जीवों के घर घर जाके प्रचार करते हैं हाउस प्रोग्राम करते हैं तो साधु का लक्षण दे रहे हैं सुरहिदा और साधवा साधु होता है बेचारा बहुत कृपालु होता है विनम्र होता है तो यहां तक ये यह सब गुण बताए और कह रहे हैं कि वाह ये मई अर्था अर्थाकृता और जिसके लिए केवल मैं ही सब कुछ हूं मुझ भगवान के अतिरिक्त उस व्यक्ति का और कुछ भी नहीं है कोई संसार में और आगे दे रहे परिभाषा भरण जनेसु के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं देह के भरण पोषण में ही लगे हैं जो देह को ही मैं मानते हैं देह से संबंधित व्यक्तियों को ही अपना मानते हैं और अपनी पहचान को बना रखे हैं कि मैं ये हूं मैं ये हूं मैं ये हूं तो ऐसे व्यक्ति जनेशु को वे सब उसमें प्रीति नहीं करते हैं साधु लोग न तो गृहेश जाया न तो पत्नी में न तो घर में न आत्मज न तो पुत्र में न राति मत्सु न तो धन में उनकी प्रीति होती न प्रीति युक्ता तो भाई संत को देखा जाता है कि संसार में भी कुछ संत लोग कर्म करते हैं तो कह रहे कि यावत अर्थाश्चर्य के जितना व्यवहार में आवश्यकता है उतना ही कर्म करते हैं व्यवहार के लिए शरीर आदि के लिए नहीं शरीर आदि के भरण के लिए कुछ कर्म करते हैं अथवा साधव साधुभूषण साधु का साधु का साधुत्व साधुत्व है वही उसका श्रृंगार है तो उसके लिए कर्म करते तो साधु का एक चीज होता है दया करना जीवों पर तो दया के लिए बहुत सारा कर्म करते हुए देखा जाता है तो ये साधु का अगर हम संग करेंगे तो मुक्ति का द्वार बिल्कुल खुल जाएगा और नहीं तो भगवान आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि नूनम प्रमत्ता कुरुते भिक, कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीत आप न साधु मन ने यत आत्मनो असन्नपी आसद इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि यत इंद्रिय प्रीत प्रीतया आप कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहता है तो उसमें व्यक्ति क्या हो जाता है इंद्रियों को प्रसन्न करने के क्रम में प्रमत्त क्योंकि पहले से अविद्या आत्मनि उपधीय माने पहले ही से उसका ज्ञान ढका हुआ है तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को प्रीति के लिए कर्म करता है उसकी प्रसन्नता के लिए तृप्ति के लिए तो ऐसे कर्म कैसे भगवान कह रहे हैं कि इसके अधीन होकर व्यक्ति प्रमत्त पागल हो जाता है और विकर्मा कुरुते नूनम निश्चित ही वो विकर्म करने लगता है जो विकर्म का अर्थ है कर्म तीन प्रकार के होते हैं गीता जी के तृतीय अध्याय में दिया गया है तो उसमें से एक है विकर्म जो आत्मकल्याण के विरुद्ध का जो कर्म है जो हमारा पतन कराने वाला उसको विकर्म करते हैं तो भर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय प्रीति में लग करके प्रमत्त होकर के विकर्मा कुरुते अनूनम निश्चित करने लगता है तो न साधु मन ने इसको मैं अच्छा नहीं मानता हे पुत्रो इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं क्यों कि यत यम आत्मन ये आत्मा जो है हम जो हम जो जीव हैं उसको क्या मिलता आस क्लेसद और असद देह की प्राप्ति होती आशा मतलब प्राप्ति ये जो देह मिला है तो हम सब के पाप कर्म का फल है ये संसार में जानना चाहिए कि पुण्य भी पाप है अब पाप तो पापे है ये दोनों बंधन के हेतु हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हम सब को आस प्राप्त हुआ है अयम देह यह दे जो देह है पंचभौतिक जो देह है ये प्राप्त हुआ है यद्यपि असद अपि है असद और क्लेशद केवल दुख देने वाला है अब बताइए कि हमको क्लेशद देहा आसह ये क्लेश देने वाला शरीर प्राप्त हुआ है तो हम ऐसे कौन सा कर्म करेंगे कि इसको सुखी बना सकते हैं कोई है अब जैसे मान लीजिए मिर्चा ही मिर्चा खा रहे हैं और हम सोचते हैं कि एक दिन मीठा मिलेगा तो मीठा कैसे मिलेगा तो ये जो देह है क्लेशद असद अपी अस इसको भगवान कह रहे हैं चौथे श्लोक में कि क्लेश देने वाला शरीर प्राप्त हुआ है तो इसका मूल हेतु क्या है अबोध जात पराभवस जब तक जीव इस अज्ञान रूपी समुद्र में गोता खाएगा तब तक ये स्थिति उसकी बनी रहेगी लेकिन जैसे ही यावंत आत्म तत्वम जिज्ञासत आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा तो व्यक्ति उसकी मुक्ति प्रारंभ हो जाएगी और अंत में जब वो मई बासुदेवे मुझ भगवान में प्रीति अगर नहीं करेगा तब तक तावत देह योगे न मुचेत इस देह के बंधन से मुक्त नहीं होगा एक साधन है केवल केवल भगवान से प्रीति कर करके तो इस संसार में जीव को फंसाने वाला कौन है मन देखिएगा गीता में इस छह श्लोकों पर आप विचार कीजिए तो भगवान ने कहा ऋषभ देव कि हे पुत्रो ये जो मनुष्य का शरीर है विडभुजाम कष्टान कामान जो सुअर आदि योनि में जो भोग मिलते उस भोग के लिए नहीं है तप करने के लिए जिससे हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और जिससे हम अनंत सुख की प्राप्ति होगी और ये सुख कहाँ मिलेगा महत्पुरुषों की सेवा से और ये महत्पुरुष की सेवा करेंगे तो हमारा जो कर्मात्मकम मन है वो नष्ट हो जाएगा भगवान जी देखिए इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि व्यक्ति तब तक सकाम कर्म करता है कि तावत कर्मात्मकम मन वही जब तक ये कर्मात्मक मन है इसीलिए भगवान गीता जी में हम आश्रय लेते हैं सारा शिक्षा मन पर है शरीर जो है ये स्थूल शरीर ये कोई थोड़े बंधन का हेतु है बंधन का हेतु है मन इसको मैं गीता जी से थोड़ा विचार करेंगे गीता जी के छठे अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन को कि उद्धरे इसको आप देख सकते हैं छठे अध्याय का श्लोक संख्या पांच और छ जिसको स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानव अव दियेत आत्मे व ही आत्मन बंध आत्मे आत्मन भगवान करे उद्धरेत क्या करे उद्धार करे आत्मना आत्मानम आत्मानम मतलब बद्ध जो हम अवस्था में है तो इसको मन से उद्धार करे और मन से उसका उद्धार करे और न आत्मान अवसादयेत और इसका आत्मान जो ये बद्ध जीव है उसको न अवसाद उसको पतन न करने दे उसका मतलब नीचे न गिरने दे क्योंकि आत्मने व ही विपुरात्म क्योंकि जीव का मन ही मित्र है और शत्रु भी है ये जानना चाहिए तो मनस्तस्य एनात मनस्तना नात्मेवात्मना जीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मे व शत्रुवत अगर हम न जीत मन अगर हम ये मन को नहीं जीतेंगे तब तो ये मन शत्रुत्वे शत्रुवत ये परम शत्रु की तरह व्यवहार करेगा इसको बहुत साधक को सावधान रहना चाहिए और मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या ना करके एक और श्लोक पर दे रहा हूं जो इसी अध्याय छठे अध्याय का है विचार हेतु कि भगवान कह रहे हैं कि यतो यतो निश्चलती मनस चंचलम अस्थिरम भगवान कह रहे कि ये जो चंचल और अस्थिर मन है यतो यतो निश्चलती जहाँ जहाँ ये मन जाता है तो इसको क्या करना चाहिए नियम्य इसका इसको नियंत्रित करना चाहिए कहां, कहां से ततो ततो जहां जहां विषय में जाता है वहां से इसको घिसना चाहिए और नए वसत इसको क्या करना चाहिए इसको बस में रखना चाहिए घिंचना चाहिए विषय से ये मन जो है बंधन का और बंधन का बहुत बड़ा हेतु है मूलतः मन ही सब कुछ है इसीलिए भगवान भी कहने कहते हैं कि मन मना भव मन को मुझ में लगाओ और आप देखेंगे इसको तृतीय स्कंद के पच्चीसवे अध्याय में भगवान कपिल देव भी कहे हैं कि हे माँ चेतक बंधाए मुक्तये चात मनोमतम गुणेश बंधा रत रतम व पुंसी मुक्त ये जो मन जो खल खल है मन को दुष्ट कहा गया है ये जो दुष्ट मन है अगर गुणेश सक्तम प्रकृति के तीन गुणों में ही रचा पचा है तो बंधाए बंधन का हेतु है और अगर इसको भगवान में लगा दे रतम वा पुंसी मुक्त और इसको भगवान में लगा दे तो ये मुक्ति का हेतु है मन ये जो शरीर है ये शरीर थोड़े हमारे साथ हमेशा रहेगा मन सदा हमारे साथ रहता है एक शरीर से दूसरे शरीर दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में तो ये जो मन है जो सूक्ष्म शरीर इसका नाश होना बहुत जरूरी है ये बंधन है जीव का हमें बांध रखा है और और कर्ता क्या है अहम ममाथई काम लोभादि भी काम लोभादि दि भीरमलही हमारा जो मन का जो गंदगी क्या है भगवान कह रहे हैं तृतीय स्कंद के पचीसवें अध्याय के सोलह नंबर श्लोक में कि अहम और मम ये जो अभिमान से अज्ञान से उत्पन्न होता है तो मन मल ही ये मन का गंदगी है मैल है क्या है अहम और मम इस शरीर को मैं मानना और शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानना ये मन का मैल है मल ही मल है गंदगी है देखो ना शरीर में गंदगी लगती है चाहे विश्व स्तर पर गंदगी तो आदमी सो पाता है इसको साफ करता है तब तो जाके सुख मिलता है तो जब तक ये मन में हमारे मन में गंदगी है अंतःकरण गंदा है मलिन है तो भाई कैसे हम सुखी रह सकते हैं और यही अहंकार और अभिमान अहंकार मम का काम लोभादि काम और लोभ को उत्पन्न करता है तो बीतम यदा मन शुद्धम जब तक इसे मन शुद्ध नहीं होगा तब तक जीव को सुख नहीं मिल सकता है तब तक सुख नहीं मिल सकता है नहीं मिल सकता है इसीलिए व्यक्ति को अपने को पवित्र करने के लिए साधु संघ की याचना करनी चाहिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए प्रसंग मजरम पासम आत्मनह कवयो विदु भगवान करे कि यह आसक्ति का नाश नहीं होता है चिता पर व्यक्ति का शरीर जल जाता है लेकिन आसक्ति का नाश नहीं होता है इसको भगवान पंद्रहवें अध्याय में कहते हैं कि फिर वही आसक्ति वाला जो मन है आसक्त संसार में गुणों में आसक्त जो मन है अपने काम क्रोध लोभ मद को कैरी करता ढोता हुआ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है इसको आप देख सकते हैं पंद्रहवें अध्याय में भगवान इसको कहें श्लोक संख्या आपको बता देता हूं यदवाप नोति या चाप युत क्रामीश्वर गृहित वेतनी संयाति वायुर्गंधा निवासयत जिस प्रकार से वायु पुष्प के गंध को ढो करके ले जाती है तो गुलाब का जो फूल है वो वहीं का वहीं रह जाता है शरीर तो इसी जगह नष्ट हो जाएगा लेकिन उसके संस्कार को गंध की तरह लेके चला जाता है दूसरे शरीर में तो इसको लोग तो विमूढ़ा नानु पश्यंती विमूढ़ा जो मूर्ख है जिसकी भोगों में रति हो गई है तो मूढ़ व्यक्ति जो आत्म स्वरूप को नहीं जानता है तो भगवान इसको कह रहे हैं दसवें नंबर श्लोक में इसी पंद्रहवें अध्याय का कि विमूढ़ा नानु पश्यंती ये इसको नहीं देख पाता लेकिन कोई देख पाता है हाँ पस्यंती ज्ञान चक्षुष जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं इसको देख पाते हैं तो यहां पर भी भगवान साधु का लक्षण दिए हैं कि तितिक्ष व कारुण कहा सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्र व शांता साधव साधु भूषणा ये सब साधु के गुण हैं और आगे करें कि मै ये न मै अने न भावे न भक्तिम अन्न भाव से मेरा भक्ति करता है कुरुवंत ये दृढ़ दृढ़ता पूर्वक और मत कृत्य और मेरे लिए त्यक्ता सभी प्रकार के कर्म का त्याग कर देता है अत्यक्त स्वजन बंधु बांधव अपने स्वजन बंधु बांधव में प्रीति का त्याग कर देता है स्वजन बंधु बांधव का तो त्याग करना बड़ा कठिन है लेकिन उनके प्रति जो ममता है प्रीति है वो कम कर हो जाता है भगवान में प्रीति करने के कारण रया और मेरे आश्रय रह करके कथा मृष्टा सिणवंती गायंती च वो केवल मेरी लीला कथा को सुनता है और जो व्यक्ति मेरी लीला कथा को सुनता है तो उसमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी यसी जनत या, या कोशम निर्गुण मनलो यथा भगवान कह रहे हैं कि जैसे जठरा नल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचा देता है जठरा नल हम जो कुछ भी खाते हैं उसको पचा देता है उसी प्रकार ये कर्म के संस्कार के भंडरा भंडार रूप जो हमारा जो लिंग शरीर है जिसमें मन प्रधान है उसको तत्काल भस्म कर देता है कौन अनिमित्ता अनिमित्ता भागवत भक्ति मेरी भक्ति तो ये पच्चीसवा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है भगवान और इसी श्लोक में इसी अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि विसृज सर्वान मामे मामेव तो मुखम भजंत अन्य भक्तया तावन मृत्यु राति पारये मैं इसको मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं जो अनन्यता से मेरी भक्ति करता है मेरी लीला कथा का गान करता है तो इसमें भगवान भगवान कपिल भी मन को ही बताए हैं कि जीव के बंधन का हेतु मन है और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मन को मुझ में लगाना चाहिए और एक भक्त तो हुए हैं श्री गोविंद दास जी जिसके पद को शिला प्रभुपाद जी ने कई बार गाया है मैं सुना भी हूं तो उस पद का भाव यह है कि भक्त कह रहे हैं कि भज हूं रे मन श्री नंद नंदना वे मन से कह रहे हैं कि अरे मन भज हूं रे मन मन से ऐसे हाथ देख अरे मन हम लोग मन को ही अपना मान लेते हैं हम मन है हम मन थोड़े हैं अरे मन के कारण ही संसार में बंधन में पड़े हुए हैं जीव जैसे मैंने पूर्व बताया कि मन ही चलता है मन ही खा रहा है मन ही है, मन ही सुख दुख का मान अपमान सब कुछ का वही मन ही अनुभव करता है